Hello, my dear friends, this is Ajay Mishra and we are going to start our new discussion on geography and you know, it's physical geography which is going on. And in last discussion we started our plate tectonic theory, and this is part two of plate tectonic theory. So we are going to discuss all these things in this class, and in our earlier classes we saw what type of plates are found on Earth's crust. So ये जो हमारा इस इमेज में आप देख सकते हैं उन सारे प्लेट्स को जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया है. ये है आपकी नजका प्लेट, आप ध्यान से देखें, है ना. ये है पैसिफिक प्लेट, ओके. जुआन डी फू का प्लेट देखो, छोटा सा है ये. ये कोकोस प्लेट, हाँ. ये सारे हमने मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया था, आपको याद आ रहा होगा. ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है कैरिबियन प्लेट, राइट. देखो ये है यूरेशियन प्लेट, देखो ये पूरा ब्लैक बाउंड्री बनी हुई है इसकी, है ना. ये अरबियन प्लेट, हाँ. इंडियन प्लेट देखो, ये हम लोग इधर ही रहते हैं, फाइन. तो कहीं पे ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, कहीं पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं. स्कोटिया प्लेट को देखो यहाँ पे, ये सारे आपको एक बार याद होने चाहिए कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं पे या हमें लिखना भी पड़ा बाद में तो हमें ये हम लिख सकते हैं. तो हम चलते हैं नेक्स्ट और इनका एक बार फिर से रिसाइट करते हैं सबका नाम, मेजर और माइनर प्लेट्स का. तो ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमने बताया, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, नंबर वन अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स. तो ये हो गया ना, एक तो अंटार्कटिका आपको याद होगा कॉन्टिनेंट सबसे नीचे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट अभी हमने देखा, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट्स, राइट, यूरेशियन प्लेट्स, राइट, फिर है माइनर प्लेट्स. ऐसे बहुत सारे मैंने पहले बताया कि कहीं पे सात मिलेंगे, कहीं पे आपको 13, 11, ऐसे बहुत सारे मेजर प्लेट्स माने जाते हैं. एंड इधर है फिर माइनर प्लेट्स, कोकोस प्लेट, हाँ हमने देखा अभी कहाँ पे है, नजका प्लेट हमने देखा, अरबियन प्लेट हमने देख लिया, फिलिपाइंस प्लेट, इसके बाद कैरोलिन प्लेट, फिर है फ्यूजी प्लेट, है ना, तुर्किस प्लेट, एजियन प्लेट, करीबियन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, हाँ, एंड देन ईरानियन प्लेट. एक बार पीछे जा करके फिगर में इनको देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पिक्चर बनना ज़रूरी है. तो सारे प्लेट्स का पिक्चर एक बार हमारे बन गई, फिर हम आगे चलते हैं. तो बेसिक फैक्ट्स अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस दिन हमने सिर्फ फिगर बना करके उस पर देखा था, अब हम थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे इनको. बेसिक फैक्ट्स क्या हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के. 1967 में ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये 1967 में सबसे पहले अस्तित्व में आई. इसको मैकेंजी एंड पार्कर साहब ने इसको डिस्कस किया, मैकेंजी एंड पार्कर, इनका नाम आपको याद होना चाहिए. सजेस्टेड द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मॉर्गन लेटर आउटलाइन द थियरी इन 1968. जो मॉर्गन थे उन्होंने फाइनली इसको आउटलाइन किया. तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में इनको लाया गया. अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, प्लेट टेक्टोनिक जो थियरी है, ये कोई एक थियरी नहीं है, ये बहुत सारी जो थियरीज हैं उनका कॉम्बिनेशन है. तो उनमें हम जो थ्री सबसे इम्पॉर्टेंट थियरीज हैं उनको कंबाइन करके प्लेट टेक्टोनिक थियरी बनाई गई है. इनमें सबसे पहले जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने इस थियरी को दिया, कन्वेक्शन करंट थियरी, और तीसरी है थियरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. इन तीनों को जोड़ करके हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है उसे बनाया गया है. अब अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थियरी, द अर्थ लिथोस्फेयर, जैसा कि हमने उसे डिस्कस किया, इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स व्हिच आर फ्लोटिंग ऑन ए डक्टाइल लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर. हमने कहा था ना उस दिन, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये फ्लोट कर रही है. इट इज द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. एस्थेनोस्फेयर एक प्लास्टिक का फॉर्म है, आटे के लोई से हमने इसको तुलना की थी उस दिन. तो डफ जैसे होता है आटे का, उस तरीके से ये होता है, इसके ऊपर ही हमारी जो लिथोस्फेयर है वो घूम रहा है. प्लेट्स मूव होराइजेंटली ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज रिजिड यूनिट्स. ये रिजिड यूनिट्स होती हैं लिथोस्फीयर, ये इनके ऊपर घूम रही होती हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर.
एंड द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल, ये भी आप जानते होंगे। यहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, आप लोग चूंकि पहले इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है, आपको शायद याद आ रहा होगा कि लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, उन दोनों को जोड़ करके लिथोस्फेयर बना हुआ है। विद इट्स थिकनेस रेंज वेरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर्स इन ओशनिक पार्ट्स एंड अबाउट 200 किलोमीटर्स इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। आपको पता है लिथोस्फेयर जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहां पे ज्यादा मोटा होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, देखिए, और यहाँ पे जो ओशनिक होगी इसकी थिकनेस कम होगी ऑटोमेटिकली। फाइन, तो मैकेंजी, यहाँ पे क्या हमें पता चला, मैकेंजी एंड पार्कर साहब ने 1967 में दिया, मॉर्गन साहब ने इसको फाइनली आउटलाइन किया 1968 में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कन्वेक्शन करंट थियरी एंड थियरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तीन थियरीज को मिला करके इसे बनाया गया है। लिथोस्फेयर जो है अर्थ का, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है अपर मेंटल प्लस क्रस्ट, ठीक है ना। और ये जो लिथोस्फेयर है किस पे घूम रहा है, एस्थेनोस्फेयर पे घूम रहा है। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये किस तरह का है, ये प्लास्टिक फॉर्म में है, डफ के फॉर्म में है। और जो लिथोस्फेयर है इसकी जो थिकनेस है वो ओशन जो प्लेट है उस पर कम है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वहां पे ज्यादा है। इतनी चीजें हमें यहां से पता चल गई। नाउ ओशनिक प्लेट्स कंटेन मेनली द सीमेटिक क्रस्ट। अब आपको एक बात और यहां पता होना चाहिए कि सियाल और सीमा, ये पहले भी मैं डिस्कस किया हुआ है। सियाल जिनसे, जिन मटेरियल से कॉन्टिनेंट बना हुआ है उसको हम जनरली कहते हैं सियाल। इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम बहुत होगा। जिनसे ये ओशनिक क्रस्ट बनी हुई है उनको हम सीमा कह देते हैं, सियाल और मैग्नीशियम इसमें ज्यादा होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स वेरी फ्रॉम माइनर प्लेट्स टू मेजर प्लेट्स, आपको मैंने बता दिया। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टू ओशनिक प्लेट्स, राइट। तो ये जो आपने ध्यान से देखा होगा, माइनर प्लेट मेजर प्लेट भी इनको बोलते हैं लिथोस्फेयर को, और कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट भी बोलते हैं, और कभी कभार ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। कॉन्टिनेंटल और ओशन एक ही प्लेट में चलते रहते हैं। तो ये तीनों चीज, तीन टाइप के प्लेट्स यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है हमारे। इसके बाद है द मूवमेंट ऑफ दीज क्रस्टल प्लेट्स ड्यू टू कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स एंड इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ ऑल अर्थ मूवमेंट। अब आपको ये जो कन्वेक्शन करंट है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, कन्वेक्शन करंट चलता है मेंटल में। कई बार हमने बताया कि जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट चलता है, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कन्वेक्शन करंट ये चलता है। फिर भी मैं आपको एक फिगर से दिखा देता हूँ। आपको याद होगा ये कोर है और ये है मेंटल, आपका बीच वाला पोर्शन। इसी मेंटल में कन्वेक्शन करंट यूं चलती हैं, राइट। फाइन, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्शन करंट चलता है, ये ऊपर की जो प्लेट्स है इसके ऊपर प्रेशर डालती है और यहां से तोड़ देती है इसको। ये इधर घूम रही होती है, इधर घूम रही होती है, ये कन्वेक्शन करंट, आपको पता होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो प्लेट्स होती हैं उनको हम कई तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। कुछ लोग इसको मेजर एंड माइनर प्लेट्स कहते हैं, कुछ लोग इनको ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डिवाइड करते हैं, और कहीं कहीं पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है तो इसे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कॉम्बिनेशन कर देते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि तीन थ्री हाइपोथेसिस मिलके, ये जो हमारे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, थ्री हाइपोथेसिस से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा है हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एंड तीसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें समझने की जरूरत है यहां पे। तो सबसे पहले हमारा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये होता क्या है, ये कहता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सबसे पहले मैंने बताया आपको अल्फ्रेड वैगनर साहब इसको लेके आए। इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं। इन्होंने इस तरीके से पूरी कहानी शुरू की
कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि आज के 570 मिलियन ईयर पहले, इतने टाइम पहले, जो हमारा पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स थे, ये एक थे। ये मान लेते हैं पूरा अर्थ है, तो इस अर्थ में सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज हैं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सब एक जगह पे थे। इसको कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट। इसको क्या कहते थे? सुपर कॉन्टिनेंट। और ये चारों तरफ एक ओशन से घिरा हुआ था, ये ओशन थे बहुत बड़ा, और इस ओशन को बोला जाता था पैंथालासा। जबकि जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट, इसको बोलते थे हम पेंजिया। तो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जाता था, और उसके चारों तरफ जो ओशन थे उनको क्या कहते थे हम? पैंथालासा। इन्होंने कहा लेकिन हुआ क्या कि 570 मिलियन ईयर पहले ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये टूट गए, और नॉर्थ पार्ट को इन्होंने कहा दिस इज कॉल्ड अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट है इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो ये रिफ्ट हुई, इसमें पानी भर गया, इसको बोला गया टीथिस सी। तो ये भाई साहब वैगनर साहब ने इस तरीके की कहानी गढ़ी। इन्होंने ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे ये टूट गए। देखो उसके बाद कॉन्टिनेंट यहां से टूटा, यहां से टूटा, और इंडिया हमारे ये गोंडवाना लैंड से टूटा, और ये सब ड्रिफ्ट करने लगे, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगे। ड्रिफ्ट मतलब घूमना शुरू कर दिया। ये जो पूरे कॉन्टिनेंट से ये टूटने लगे और घूमने लगे। और ये जो हाइपोथेसिस पूरी की पूरी कही गई, इसी को कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। वैगनर साहब ने इसको घूम घूम के पूरे वर्ल्ड में जा करके अलग अलग जो कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, अलग अलग जो कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, वहाँ का क्लाइमेट का एनालिसिस किया, वहाँ की रॉक का एनालिसिस किया, वहाँ के जो फॉसिल्स थे उनका एनालिसिस किया, और इन सब के बेस पे उन्होंने ये बात बताई कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो क्लाइमेट पोलर एरिया में है, आज के पोलर एरिया के जो कॉन्टिनेंटल एरिया, जब वहाँ पे गया उन्होंने बहुत सारे जगह पे उन्होंने देखा, रॉक को देखा, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया नहीं जाना चाहिए, ये तो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाना चाहिए था, ये कैसे पोलर एरिया में आ गया? अगर आ गया तो या तो क्लाइमेट बदला है, या तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली ये रिजल्ट पे पहुंचे कि कॉन्टिनेंट्स घूम रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट इस तरीके से एक जगह का नहीं बदल सकता, वो बदलेगा तो लैटिट्यूड पे बदलेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि यस, कॉन्टिनेंट्स घूम रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एविडेंस भी इकट्ठा कर लिए।